भारत सरकार की एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर योजना के बारे में नाबार्ड के तत्वाधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें झालावाड़ में कृषि के क्षेत्र में सेवानिवृत्त कार्मिक और डिग्रीधारी युवाओं को अपना व्यवसाय करने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद सब्सिडी पर लोन की सुविधाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक भवानी शंकर मीना ने बताया कि कृषि और संबंधित विषय में डिप्लोमा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीधारी युवाओं के लिए और सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड मैनेजमेंट हैदराबाद के माध्यम से संबंधित नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद बैंक से लोन लेने की व्यवस्था है। कृषि और संबंधित विषय में डिप्लोमा और डिग्रीधारी युवाओं के लिए बैंक से लोन लेने पर सब्सिडी का प्रावधान है। इसमें सब्सिडी की सीमा सामान्य और ओबीसी वर्ग के युवाओं के लिए 36% है। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम एग्री बिजनेस एंड एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस योजना के बारे में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट के स्टूडेंट्स, बैंक्स तथा अन्य रिटायर्ड पर्सन के लिए जो ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया, इसमें योजना के बारे में डिटेल जानकारी की दी गई और मैनेज हैदराबाद के माध्यम से कोटा में चल रहे नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक के द्वारा इस परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में यह बताया गया कि जो भी युवा कृषि क्षेत्र में ग्रेजुएट डिग्री होल्डर है, वो अगर यह प्रशिक्षण 45 दिन का नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से करे तो वो बैंक के माध्यम से अगर लोन लेते हैं तो उनको 40% के लगभग सब्सिडी दी जाती है भारत सरकार के माध्यम से, जो कि नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही योजना है। इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए MANAGE हैदराबाद से संबंधित नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ACABC सेंटर कोटा के नोडल अधिकारी डॉक्टर देवाराम मेघवाल ने एक प्रस्तुति दी और साथ ही साथ योजना की बारीकियों से सभी को अवगत करवाया और उनके नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से ट्रेनिंग लेने का विद्यार्थियों को प्रस्ताव दिया। आपको बता दें, इस ट्रेनिंग के बाद लोन की सुविधा से युवाओं को अपने खुद के बिजनेस खोलने में काफी मदद मिलेगी। पंजाब की सिटी टीवी राजस्थान के लिए झालावाड़ से बलबहादुर सिंह की रिपोर्ट।